नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है और एक तरफ जहां भाजपा जनता के बीच वोट मांगने के लिए पहुंच रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के ही एक विधायक का सारे राह एक युवक को पीटते हुए वीडियो वायरल हुआ है। मामला शिवपुरी जिले की पिछौर विधानसभा का बताया जा रहा है, जहाँ की भाजपा विधायक प्रीतम लोधी एक युवक को डंडे से पीटते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। भाजपा विधायक द्वारा युवक को पीटने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताते चले, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक काले रंग की स्कॉर्पियो और उसके पीछे एक सफेद रंग की सफारी खड़ी है। काले रंग की स्कॉर्पियो पिछौर विधायक प्रीतम लोधी की बताई गई है, वहीं सफेद रंग की कार हरिभान लोधी की बताई जा रही है। वीडियो में दोनों कार खड़ी हुई है और इस दौरान विधायक प्रीतम लोधी अपने स्कॉर्पियो से एक डंडा निकालकर अपनी कमीज लिए खड़े युवक पर कई बार लाठियां भांजते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधायक द्वारा की गई मारपीट का यह वीडियो खेत से देख रहे किसी बच्चे द्वारा बनाया गया है, जो कि ये कहता भी सुनाई दे रहा है कि देखो, प्रीतम भैया ने एक लड़के को मारा है। ग्रामीणों का ये कहना है कि वीडियो कुछ दिन पहले का हो सकता है। विधायक प्रीतम लोधी से जब वायरल वीडियो के बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना था कि वीडियो कब का है, यह उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के वीडियो तो चुनाव नजदीक आने पर बाहर आते ही हैं। इस वीडियो में कुछ छेड़छाड़ करके मिक्सिंग भी की गई होगी। चुनावी समय में इस वीडियो को एडिट करवाकर पार्टी व उनकी छवि धूमिल करने का विरोधियों ने जो षड्यंत्र रचा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं इस वीडियो की जांच करवाने के लिए कलेक्टर SP को आवेदन जरूर दूंगा।